अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने जायज़ कैश और इजी पैसा अकाउंट से एक्सनेक्स अकाउंट में किस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। उससे पहले अगर आप डेली की 5 से 10 डॉलर की अर्निंग करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो भी जाकर दे सकते हैं, प्रूफ भी उस वीडियो के अंदर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डिपॉजिट पर क्लिक करना है। जैसे डिपॉजिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आप करना चाहते हैं। मिनिमम आप 6394 रुपये सेंड कर सकते हैं इनको, और मैक्सिमम जो है वो 36 इस तरह कुछ बता रहे हैं PKR में। तो यहाँ पे मैं इसको 7000 जो है वो मैं सेंड करना चाह रहा हूँ, डिपॉज़िट करना चाह रहा हूँ। नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर दूँगा। जैसे कन्फर्म किया तो यहाँ पर डिटेल फिर से दे रहे हैं, और मैं नीचे फिर इनको कन्फर्म कर दूँगा। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे आपने अपना योर बैंक सेंड मनी, यानी कि आपके बैंक का नेम है। मेरे बैंक का नेम जो है वो तकरीबन जैज़ कैश है। जैज़ कैश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना जैज़ कैश नंबर इंटर कर लेना है। चलें जी, मैंने अकाउंट नंबर अपना इंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपने होल्डर नेम जो है आपका, वो यहाँ पे मोहम्मद अरशद सेलेक्ट है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये नंबर जो है ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि ये जो जैज़ कैश का अकाउंट है ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, मोहम्मद अरशद के नाम पे, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपको पेमेंट जो है वो रिटर्न का बोल रहे हैं। यहाँ पर इनकी डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पे 7000 PKR पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो है, मैं पहले बिच आईडी जो है वो मैं सारा कुछ बना रहा था तो मैंने रास्ते में छोड़ दिया था, तो इस वजह से ये रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा ये वाला, ठीक है। तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास वो कहते हैं 7000 आपने सेंड करना है, यहाँ पर बैंक इस नेम पर सेंड करना है, और यहाँ पर ये होल्डर नेम ये वाला होगा, और उसके बाद IBAN ये होगा, यानी कि ये IBAN है। ये आपने नंबर कॉपी करके इजी पैसा की एप्लीकेशन में, ये जैज़ कैश की एप्लीकेशन में जाके उधर आपने इनको इस IBAN नंबर या नीचे ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, इन नंबर पे आपने सेंड करने हैं। बैंक में जाके आपने ये यहाँ पे सर्च कर लेना जैज़ कैश में, हबीब मेट्रो ये बैंक वाला HMB, ठीक है। उधर जाके इनको सेंड कर देना, ये नाम आएगा नीचे होल्डर नेम इनका, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, जहाँ पे कमेंट का ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी लिखते हैं कुछ भी चीज़, वो यहाँ पे ये वाली आईडी आपने लाजमी लिखनी है। उसके बाद जैसे आपके जो कंफर्म हो जाए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, तो आपने स्क्रीनशॉट उसका लाजमी लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करके स्क्रीनशॉट इनको जो है वो शेयर कर देना है, यानी कि ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई हैव पेड पे क्लिक कर देना। यहाँ पे वो कहते हैं आपकी पेमेंट जो है वो प्रोसेस्ड बाय डीलर, प्रोसेसिंग में 8 घंटों आप टाइम लग सकता है। अगर आपकी आपने उनको पेमेंट सेंड की होगी तो वो आपको जो है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी नहीं की, लेकिन मैंने ऐसे ही स्क्रीनशॉट उनको शेयर कर दिया, लेकिन समझाने के लिए आपको बताया, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए।